गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बने? साधारण सा मर्ज बड़े भैया शंभू भैया जी कहीं कोई गुणा भाग नहीं है ना ही गिनती पहाड़ है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि धक धक रे जिया रे धक धक पढ़ रही हूँ क्योंकि इतनी भीषण सर्दी में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। गाया है क्या कि धक धक रे जिया रे धक धक छक छक रे जुदाई छक छक तो धक धक रे जिया रे धक धक तो छक छक हल्का एक बार होता क्या है क्या? हनुमान जी महाराज के पूछते रावण परेशान है। तपस्या रावण ने कई बार की है लेकिन देखिए एक बार विशेष रूप से तपस्या करने लगा। वो तपस्या करने लगा तो देखिए वरदान क्या मांगता है क्या? कि कप की पूंछ से लंका पति हो गया हैरान। कप की पूंछ से लंका पति हो गया हैरान। भगवान से तब मांगे उसने तीन है वरदान। भगवान से तब मांगे उसने तीन है वरदान। ये कामना है मन में पूरी
दिन तो रहे उधार, वरदान एक दे दो, लेकिन तो रहे उधार। वरदान क्या मांगे? तुझसे पूछने जलाई ना तुम मेरी दाढ़ी मूछ, तुझसे पूछने जलाई ना तुम मेरी दाढ़ी मूछ, तो एक ही झटके में उसकी टूट जाए पूछ। वरदान मांगा एक झटके में पूछ टूटनी चाहिए, तो एक ही झटके में उसकी टूट जाए पूछ। तो रावण ने पकड़ी पूछ, रावण ने पकड़ी पूछ, सब संयोग जुड़ गए। तो रावण ने पकड़ी पूछ, सब संयोग जुड़ गए। हनुमान जी ये देख कर ऊपर उड़ गए, हनुमान जी लटकने लगे हैं, तो हनुमान जी पहाड़ों पर पटकने लगे हैं। तो चंद्र घड़ी में हुआ वह लहू लोहा, कि चंद्र घड़ी में हुआ वह लहू लोहा। तो भगवान से तब मांगा उसने तो लंका पति का आज ही राम नाम सत्य हो जाता। शाबाश। अब देखिए वो रावण सोच रहा है क्या कि धक धक कर छाती धक धक, धक धक कर छाती धक धक,
ढोलक बजा रहे हैं। करते थे क्या बात है बेटा बड़े भैया मत मार कमर के झटके। अब देखिए जैसे ही रामचंद्र विश्वामित्र मुनि ला रहे हैं भाई लक्ष्मण के साथ ताड़का ने देखा और आक्रमण कर दिया और इस बात की पुष्टि मानस ने भी की है कि चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़ का क्रोध कर धाई एक ही बाण प्राण हर लीना तो दीन जान निज पद प्रभु दीना। जब एक ही बाण में प्राण का हरण कर लिया तो होता क्या क्या बटे तू जान पे मेरी मेरे लिए तू जान पे मेरी रूठा तेरा बाप है कितना झूठा और तू सुन ले धनुधारी तू सुन ले धनुधारी तूने मेरे प्राण को हर लिया है तो ये वरदान क्योंकि ये रीत है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाहि पर वचन न जाए लेकिन मैं देख रही हूँ कि तूने मेरे प्राण को हर लिया है तो कहना पड़ा क्या बड़े तो कहने लगे महाराज क्षमा कीजिएगा रामचंद्र जी क्या बात मैं जान लूंगा तेरी तू बन जा पावड़ी मेरी तो पद नाम न कर संसारी में बड़े भैया विक्रम भैया और हमारे सम्मानीय चाचा जी कहने लगे प्रभु श्री राम क्या पद नाम न कर संसारी में तेरी जान है तेरी जान है है। इशारा किया है बस्ती से दूर है कितने हम तुम मजबूर है कितने
क्या बटे दो वरदान मांग लिए महाराज से, तो महाराज जब दो वरदान दिए तो कहना पड़ा क्या कि के कई ने दो वर मंगाए, दो वरदान मांगे। भाभी जी, भाभी जी बैठिए, बैठ जाइए भाभी जी। तो कहे कई ने दो वर मंगाए, तो श्री राम वन को सीधाए। एक निवेदन है माताएं बहनों के साथ, केवल दो पंक्तियां सुन ले, बस केवल 5 ही मिनट बचे हैं, तो कहना क्या कई ने दो वर मंगाए, श्री राम वन को सीधाए, तो महाराज की जिंदगानी है चंद्र दिन की कहानी, तो है चंद्र दिन की कहानी। तो यहाँ महाराज जनक सोच रहे हैं, तो छल छंद्र बड़े है नारी में, कि छल छंद्र बड़े है नारी में, कैसे ली है, हाय कैसे ली है जाने उधार। आपको बता दें नीलम जी, जहां लक्ष्मी जी होती हैं वहां नारायण कभी नहीं होते, लेकिन जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी जी जरूर होती है। बिल्कुल, ये इतिहास है, क्योंकि नारायण कभी कोई धनी नाथ नहीं कहता, जब भी लोग कहते हैं दीना नाथ ही कहा करते हैं, और वो दीनों के ही नाथ हैं। आइए एक गीत और, बहुत बढ़िया आया है आपका। अरे माता जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बस 5 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का, मेरा निवेदन स्वीकार कर लें आप, विनती है, प्रार्थना है, आरजू है। चलिए अब आपको नहीं रुकना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था एक बढ़िया गीत आपको सुनाते, चलिए खैर सुनिएगा। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों, पहाड़ों में मेरा लहंगा, ओ मेरा लहंगा, ये मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में, कहाँ लाया मेरा यार।
रे पहाड़ों लाया मेरा प्यार रे पहाड़ों लाया मेरा प्यार पहाड़ों में मेरी जान बची है उधारी में। बढ़िया प्रसंग है नीलम जी, कुछ कहूंगा नहीं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, फिर आप कहेंगे शंभू भैया उम्र को देखिए, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि सफलता नहीं मिलती तो लोग प्रयास बदल देते हैं, ये है दादा सुनिएगा, सफलता नहीं मिलती तो लोग प्रयास बदल देते हैं, मुराद नहीं पूरी होती तो लोग विश्वास बदल देते हैं। मैं पानी से नहाने वालों की बात नहीं करता, हाँ। जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। आइए प्रयास कर रहा हूं आदरणीय सामान्य नीलम जी, एक घटना मुझे भी मिली। एक बार भगवान राम धराधाम छोड़कर चले गए, कलिकाल आ गया, और जब कलिकाल आ गया शनि महाराज बैठे हुए हैं, देखा क्या बाबा बजरंगबली भी उदासीन बैठे हुए हैं। शनि महाराज ने कहा जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हारे प्रभु चले गए तुम भी जाओ। बाबा बजरंगबली ने कहा शनि मैं थोड़ा सा उलझन में हूँ, तुम अपना काम करो, हमको ज्यादा परेशान मत करो, तंग मत करो। ये लेकिन शनि महाराज नहीं माने तो देखिए क्या हुआ। क्या शनि महाराज ने कहा कि तुम शक्ति को मेरी जानो, सुनो बजरंगी, तुम शक्ति को मेरी जान, जरा गौर से मुझको पहचानो। और जब इतना कहा हाँ, तब खेल कपी ने दिखाया और शनि पर गदा तब चलाया, और जो ही गदा चलाया हाँ, तो देखिए क्या हुआ। क्या तो जब बल देखा बल धारी में, जब बल देखा बल धारी में, तो तुरंत कहा शनि महाराज ने ना पढ़ूंगा दुनिया दारी में, जब बल देखा बल धारी में, चूंकि बाबा बजरंगबली ने इतने गदे मारे, शनि महाराज जगह जगह से टूटने लगे, बोले प्रभु हमको स्थान बताओ कहाँ जाए। तो बाबा बजरंगबली ने कहा जाओ शनिवार शनिवार हर घर में तेल मांगो, और वही तेल अपने शरीर पर लगाओ तो तुम्हारा ये दर्द खत्म होगा। तो जब बल देखा बल धारी में, ना पढ़ूंगा दुनिया दारी में, जब बल देखा बल नारी में, क्योंकि ज्ञानी नामांकन
करने हम। क्या बात भैया, क्या बात है, आप ज्ञानी हो भैया करने हैं। तो आप ज्ञानी हो अनारी बेटा, पढ़ूंगा दुनिया दारी में, जब पल देखा पल धारी, जब पल देखा पल धारी, जब पल देखा पल धारी, पल देखा पल धारी नीलम जी। अंतराय कौन लिखी थी, लेकिन समय खराब करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, लोग बात बढ़िया सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए जितना सुन रहे हैं उतना सुनाया जाए।